नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धामनों में दिन दहाड़े बैंक के बाहर हुई चोरी, अज्ञात युवक ने बाइक की डिक्की से रुपए निकाले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आपको बता दें कि गेहूं उपार्जन का था भुगतान। किसान के द्वारा महेश्वर चौराहे स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धामनों से नगद राशि 70,500 रुपए निकालने के बाद मोटरसाइकिल की साइड की डिक्की में रुपए व चिल्लर से भरी थैली को रखकर जैसे ही किसान अपने वृद्ध पिता को मोटरसाइकिल पर बैठाने लगा कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए एक 20 वर्षीय युवक थैली लेकर फरार हो गया। वहीं पर प्रत्यक्षदर्शी ने तुरंत ही फरियादी के पुत्र को घटना से अवगत कराया। फरियादी का पुत्र आरोपी के पीछे भागा, तब तक आरोपी भाग चुका था। मामले की जानकारी लगते ही धामनोत प्रभारी थाना प्रभारी राजकुमार यादव मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आरोपी की तलाश में चारों ओर पुलिस के द्वारा सर्चिंग की जा रही है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। निकाला आपको, क्या जानकारी है? वो भैया खड़े थे, मैंने सोचा इनके पास में होगा, वो इनके साथ में होगा, तो वो तो एकदम से निकाल के चल पड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो फिर भैया ने दादा को उतारा, फिर ये भैया ने मैं तोड़ा। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सचिन। पूरा नाम? सचिन कैलाश। पैसा लेना था सर, तो पैसा लेने के लिए आए थे, तो 70,500 रुपये था, उसमें गेहूं का था और कुछ दो तीन तीन चार की दादा की किस्त थी, वो मुख्यमंत्री वाली, तो वो दिया उन्होंने 70,500, तो उनमें 500 रुपये का चिल्लर दे दिया उन्होंने, तो जेब में नहीं आने की वजह से, नहीं रख पाने की वजह से मैंने डिक्की में रखा, तो डिक्की में रखने के बाद दादा को गाड़ी में बिठाने लगा, तो जैसे ही उन्होंने मैं हाथ पकड़ के बिठाने लगा, कोई आया और डिक्की में से निकाल के ना एकदम भग गया।